मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ल्स एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय का आदेश जारी हुआ है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2023 को समस्त विद्यालयों में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और 2 फोटो गूगल मैप कैमरा से सुरक्षित रखने या वेबसाइट पर डाउनलोड सेंड करने के लिए भी कहा गया है। ये साथियों आदेश है स्कूली शिक्षा महानिदेशक राज्य परियोजना निदेशक कार्य लखनऊ से प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु विषय भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 11 दिसंबर 2023 को महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी का जयंती के आयोजन के संबंध में महोदय महोदया कृपया उपयुक्त विषय सचिव शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 1 जून 2023 28 नवंबर 2023 छात्र सम्मेलन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव के आयोजन के संबंध में है। उक्त संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 27 सितंबर 2023 द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुक्रम में विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं मातृभाषाओं को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाए जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा भाषाएं अनेक भाव एक थीम पर आधारित 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव का दिनांक 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 की अवधि में आयोजन किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। भारतीय भाषा उत्सव के अंतर्गत विद्यालय में सप्ताहवार थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों का आयोजन जनपदों में किया जा रहा है जिसका समापन महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के अवसर पर दिनांक 11 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुभाषी विषय को गति प्रदान करने के लिए समस्त विद्यालय में दिनांक 11 दिसंबर 2023 को बहुभाषी उत्सव मल्टीलिंगुअल फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उत्पत्ति द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 11 दिसंबर 2023 को विद्यालय स्तर पर कोई परीक्षा पूर्व से निर्धारित है तो उसे किसी अन्य दिवस में समायोजित किया जाए। साथ ही समस्त संस्थानों बच्चों शिक्षकों अभिभावकों एवं जन समुदाय की भागीदारी के साथ एक दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भ पत्र द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किए जाने के उद्देश्य में विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित गतिविधियां का आयोजन कराए जाने का सुझाव दिया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सिग्नेचर कैंपेन मातृभाषा में हस्ताक्षर से किया जा सकता है जिसके अंतर्गत मेरी मातृभाषा में मेरे हस्ताक्षर कैंपेन इत्यादि का आयोजन किया जाना बहुआयामी एवं बहुभाषी सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे लघु नाटक कहानी प्रश्नोत्तरी पहेलियाँ कहानियाँ नृत्य गीत इत्यादि का आयोजन किया विविध भाषाओं में किया जाना विभिन्न प्रकार के भाषाई खेल लैंग्वेज गेम गीत नृत्य और अन्य कलात्मक प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिताओं सेमिनार कार्यशाला एवं वाद विवाद आदि का आयोजन किया जाना विविध भाषाओं में प्रेरक फिल्म एवं लघु फिल्मों का बच्चों के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाना बच्चों को विविध भारतीय भाषाओं से परिचित कराया जाए जिससे कि बच्चे अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके नुक्कड़ नाटक लोकोक्ति एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना उद के अतिरिक्त जनपदों में 75 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के समापन दिवस पर दिनांक 11 दिसंबर 2023 को जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। जनपद एवं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली उद गतिविधियों के संबंध में होने वाला व्यय क्रमशः DPO मद एवं कंपोजिट ग्रांट से वहन किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराते हुए क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियाँ कार्यक्रमों की फोटोग्राफ से माख्या प्रतिदिन NCERT द्वारा विकसित पोर्टल पर bhasha.ncert.org.in/public/login user ID utterp@bbu.pwd.bbu@34023 एवं राज्य परियोजना कार्यालय की गुणवत्ता सेल की email ID qualitycellup2022@gmail.com पर अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें। भौदी श्री विजय किरण आनंद राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश का पालन समस्त विद्यालयों में समस्त शिक्षकों प्रधानाध्यापकों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए और 11 दिसंबर 2023 महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित कराए जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें ताकि सभी शिक्षक इस गतिविधि को कराएं ताकि उनके पास गूगल मैप या फोटोग्राफ सुरक्षित रहे। इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिले तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।